पहले ये इम्प्रेशन होता था कि ये 40 और 50 के बाद की उम्र के लोगों को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और भारत में चूंकि यंग पेशेंट्स, यंग पॉपुलेशन बहुत है, तो हम लोग 20s and 30s में भी ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हम सब जानते हैं कि आज ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, और डॉक्टर लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई जल्दी डायग्नोसिस करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए। तो अर्ली डायग्नोसिस क्यों करना चाहिए? अगर हम अर्ली डायग्नोसिस को स्टेज वाइज डिफाइन करना चाहें, तो जब हम स्टेज वन में कैंसर ब्रेस्ट डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं, तो हमारी जो क्योर रेट है वो ऑलमोस्ट 97-99% के बीच में होती है। जब हम स्टेज टू में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करते हैं, स्टेज टू का मतलब है कैंसर में लंप का साइज थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये जो क्योर रेट है वो 85-90% आ जाती है। जब हम स्टेज थ्री में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस करते हैं, तो ये जो क्योर रेट है, या जिसको हम 5 या 10 ईयर सर्वाइवल रेट कहते हैं, ये 60% के आसपास आ जाती है। और स्टेज फोर में जब कैंसर ब्रेस्ट को छोड़ के, एक्जिला को छोड़ के, शरीर के दूसरे हिस्सों में जा चुका है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट आज 5-10% या 15% रह जाती है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए कोई हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो है अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो हमको कैंसर के जो अर्ली साइंस हैं उनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि ब्रेस्ट में गांठ हो। हालांकि यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा कि हर गांठ कैंसर नहीं होता, बट किसी भी ब्रेस्ट की गांठ को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ब्रेस्ट में गांठ हो, निपल से खून आ रहा हो, निपल अंदर चला गया हो, निपल थिकेंड हो गया हो, या स्किन की, जो ब्रेस्ट की स्किन है वो या तो थिकेंड हो गई हो या डिम्पलिंग हो गई हो, डिम्पलिंग मीन्स थोड़ा अंदर को चली गई हो, या पूरे ब्रेस्ट में सूजन आ गई हो, या बगल की में गांठें आ गई हों, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइंस होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के वो अपने खुद से हम कैसे डायग्नोस करें या कैसे किसकी सलाह लें, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इनमें से कोई भी साइन आपको ब्रेस्ट कैंसर का लगता है, तो डॉक्टर की सलाह लें, अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिनेशन करना सीखें, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे। 20, 22 की, 25 की एज के बाद से शीशे के सामने खड़े होके अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें, क्योंकि आपसे अच्छा अपनी ब्रेस्ट को कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन में पिछले एग्जामिनेशन के मुकाबले कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है, तो उसको इग्नोर ना करें। दूसरी चीज़ होती है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कि आप किसी ट्रेंड पैरामेडिकल से या डॉक्टर से 30 की एज के बाद साल में एक दफ़ा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराएं, या फिर एक चीज़ कहलाती है मेमोग्राफी, तो जिसको हम स्क्रीनिंग मेमोग्राफी कहते हैं। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी का मतलब है कि जिस पेशेंट को, जिस लेडी को कोई सिम्टम नहीं है, वो भी अपना रूटीन मेमोग्राम कराएं, जैसे कि आप अपना एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं। बट ये मेमोग्राम 40 की एज के बाद हर साल कराना चाहिए। कभी कभी लोगों में यह मिथ होता है कि मेमोग्राम कराने से रेडिएशन होता है। मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो मॉडर्न मेमोग्राफिक मशीन्स हैं, उनसे रेडिएशन नहीं के बराबर होता है। और थोड़ा एग्जाम्पल दे के बताऊँ कि एक मेमोग्राफी से लगभग उतना रेडिएशन होता है जितना आप जब दिल्ली से बॉम्बे या दिल्ली से मद्रास ट्रेवल करते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन रेडिएशन।
उतना रेडिएशन होता है। लोग साल में 50 दफ़ा भी बॉम्बे जाते हैं, हम तो साल में एक दफ़ा मेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए अगर इनमें से कोई भी आपके साइन जो मैंने बताए वो प्रेजेंट हैं तो उसको इग्नोर ना करें। अगर आप 40 से कम हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड करें, अगर 40 से ऊपर हैं तो मेमोग्राफी करें। उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करके आप अगर अल्ट्रासाउंड किया है तो मेमोग्राफी, या मेमोग्राफी की है तो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो उसकी बायोप्सी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा कि FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी आज स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, क्योंकि ये लगभग 10% केसेस में डायग्नोसिस को मिस कर सकती है। इसीलिए कोर नीडल बायोप्सी स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। चाहे अगर लंप बड़ा है तो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में करते हैं, अगर लंप छोटा है तो उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ एक और मिथ है कि बायोप्सी नहीं कराना चाहिए। मैं फिर बता दूँ कि ये गलत मिथ है। कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है। तो कैंसर की डायग्नोसिस के लिए कैंसर के साइन एंड सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। अगर साइन एंड सिम्टम्स में कुछ भी आपको शुभ लगता है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, और उसमें अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आती है तो बायोप्सी करें। इस तरह आप अपने कैंसर को मिस नहीं करेंगे, कैंसर को डायग्नोस करेंगे और उसके बाद उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद।